खेल में खिलाड़ियों की फिटनेस कितनी अहम है यह हम सब बखूबी जानते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खिलाड़ी जितने फिट होंगे उनकी परफॉर्मेंस भी उतनी ही अच्छी होगी। वहीं अगर बात करें क्रिकेट की तो इस खेल में बेहतर बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लेकर चुस्त फील्डिंग तक के लिए फिटनेस का अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है और जो इसे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो है खिलाड़ियों की उम्र, जिसके कारण बढ़ती उम्र के साथ सभी खिलाड़ी अपने संन्यास के पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। और ये अक्सर देखा जाता है कि आजकल खिलाड़ियों के 40 साल तक पहुंचते कभी न कभी उनके खराब परफॉर्म पर उन्हें बूढ़ा बोलकर जरूर ट्रोल किया जाता है। क्रिकेट का युवाओं के प्रति समर्पण और झुकाव साफ झलकता है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने की कोई आयु निर्धारित नहीं होती, सभी खिलाड़ियों के पदार्पण और संन्यास की उम्र अलग अलग होती है, लेकिन मोटे तौर पर इससे 20 से 40 साल तक के खिलाड़ी खेलते दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भी फील्ड में कुछ अपवाद धारणाओं के विपरीत होते हैं और क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं है। हमने 16 साल के युवा सचिन तेंदुलकर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करते देखा है, तो वहीं 15 वर्षीय प्रतिभा शेफाली वर्मा को भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते देखा है। लेकिन आज हम क्रिकेट इतिहास के उन खिलाड़ियों की बात करेंगे जिन्होंने सबसे अधिक उम्र तक क्रिकेट खेली, वो भी उसी चुस्ती फुर्ती के साथ, जिन्हें देखकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि उम्र तो महज एक नंबर है। जुनून के लिए हौसला बुलंद होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी से जिसने क्रिकेट को जितना वक्त दिया है वो निश्चय ही हम सबको हैरत में डाल देता है। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज मूल के क्रिकेटर सेसिल राइट के बारे में। ये तब सबसे ज्यादा सुर्खियों में आए जब इन्होंने पिछले साल अपने संन्यास की घोषणा की। उस वक्त सेसिल की उम्र 85 साल की थी और वो नियमित क्रिकेट भी खेल रहे थे। इतिहास के सबसे उम्रदराज इस क्रिकेटर का क्रिकेट करियर 60 साल से भी ज्यादा का है। सेसिल मुख्य रूप से एक तेज गेंदबाज है, जबकि आमतौर पर तेज गेंदबाज का करियर अन्य क्रिकेट खिलाड़ियों से कम माना जाता है। सेसिल ने अपने करियर में कुल 7000 विकेट लिए हैं। सेसिल ने जमैका के लिए गैरी सोबर्स और वेस हॉल जैसे दिग्गजों के खिलाफ अपना प्रथम श्रेणी मैच खेला। बारबाडोस के खिलाफ यह मुकाबला 1958 में खेला गया था। इसके बाद 1959 में इंग्लैंड चले गए और उन्होंने सेंट्रल लंकाशर लीग में क्रॉम्पटाउन के लिए पेशेवर क्रिकेटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने यहीं बसने का फैसला किया। सेसिल विवियन रिचर्ड और जोएल गॉर्नर जैसे दिग्गज क्रिकेटरों के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं। अपने इतने लंबे करियर के बारे में पूछने पर सेसिल कहते हैं कि काश मुझे पता होता कि मेरा करियर इतना लंबा कैसे खींचा। मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है इंग्लिश खिलाड़ी विल्फ्रेड रोड्स का, जिन्हें इंग्लैंड का सर्वकालिक महानतम ऑलराउंडर कहा जाता है। रोड्स के नाम सबसे अधिक उम्र में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है। रोड्स ने साल 1899 में इंग्लैंड के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला था। डेब्यू मैच में इन्होंने उम्दा गेंदबाजी की और पहली पारी में 58 रन देकर 4 विकेट लिए थे, जबकि दूसरी पारी में भी अच्छी गेंदबाजी से 3 विकेट लिए। 52 साल 165 दिन की उम्र में वह साल 1929 में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर उतरे थे। उनका टेस्ट करियर 30 साल से अधिक समय तक चला। टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 27 विकेट हैं और घरेलू क्रिकेट में 16.71 के औसत से 4187, कुल मिलाकर 4204 फर्स्ट क्लास विकेट, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जैसा कि हमने बताया कि वो एक महान ऑलराउंडर थे, जिससे बल्ले से भी रोड्स का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। इन्होंने 30.19 के औसत से 2325 टेस्ट रन बनाए और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इन्होंने 39,969 रनों का योगदान दिया। उनके नाम 58 फर्स्ट क्लास सेंचुरी दर्ज है। अब बात करते हैं उम्रदराज क्रिकेटर के लिस्ट के अगले खिलाड़ी ब्रेट आयरन मोंगर की, जो एक पूर्व ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं। आयरन मोंगर उन खिलाड़ियों में शामिल तो है ही जिन्होंने सबसे अधिक उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला, बल्कि उन क्रिकेट खिलाड़ियों की फहरिस्त में भी शुमार हैं जिन्होंने सबसे अधिक उम्र में क्रिकेट डेब्यू किया। ऑस्ट्रेलिया के इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के खिलाफ ब्रिस्बेन में 30 नवंबर 1928 को डेब्यू किया था। उस समय उनकी उम्र 46 साल 237 दिन थी। उन्होंने अपने करियर में 14 टेस्ट मैच खेले और 74 विकेट लिए। काफी छोटा करियर होने के कारण इनके विषय में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। इन्होंने अपना आखिरी मैच 28 फरवरी 1933 को खेला, जिस समय आयरन मोंगर लगभग 52 साल के थे। जैसा कि आपको पता है कि क्रिकेट इतिहास का पहला आधिकारिक टेस्ट मैच 15 मार्च 1877 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था। यह मैच ऑस्ट्रेलिया ने 45 रनों से जीत लिया था। तो हमारे लिस्ट का अगला नाम भी इसी मैच के खिलाड़ियों में शुमार है। इन टेस्ट मैचों में 49 साल के जेम्स सदरटन ने भी इंग्लैंड की तरफ से खेला था। उन्होंने अपने करियर में ये दो ही टेस्ट मैच खेले, जिसमें दूसरा मैच भी मेलबर्न में 31 मार्च से 4 अप्रैल के बीच खेला गया था। सबसे उम्रदराज टेस्ट खिलाड़ी के रूप में उनका रिकॉर्ड काफी वक्त तक बरकरार था। जेम्स ने सीरीज का 2 मैच खेला था, जिसमें इन्होंने 15.3 के औसत से 7 विकेट लिए थे और इकॉनमी 2.44 की रही थी। इस खिलाड़ी ने भले ही सिर्फ 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ही खेले हों, लेकिन इनका घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन इन्हें एक प्रभावी क्रिकेटर बनाता है। इन्होंने प्रथम श्रेणी के कुल 286 टेस्ट मैचों में 14.4 के औसत से कुल 1682 विकेट लिए थे। इस लिस्ट का आखिरी नाम हम भारतीयों के लिए काफी अहम है, क्योंकि ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि 1932 में भारत के पहले टेस्ट कप्तान सीके नायडू हैं, जिन्होंने आखिरी बार 60 की उम्र में क्रिकेट में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नायडू अपने समय के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक थे। दिसंबर 1926 में नायडू ने एमसीसी टीम के खिलाफ हिंदूस के लिए 116 मिनट की पारी में 153 रन बनाए थे, जिसमें 11 छक्के और 13 चौके शामिल थे। नायडू ने अपने अंतर्राष्ट्रीय मैच में 25 के औसत से कुल 350 रन बनाए थे और 9 विकेट भी अपने नाम किए थे, जबकि 207 प्रथम श्रेणी टेस्ट में 35.94 के औसत से 11,825 रन बनाए, वहीं 411 विकेट भी लिए। सीके नायडू की पहचान हमेशा ही एक साहसी बल्लेबाज, एक चतुर मध्यम तेज गेंदबाज और एक तेज तर्रार क्षेत्र रक्षक के रूप में रही थी। उन्होंने 1936 में 41 साल की उम्र में भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था, लेकिन 62 वर्ष की उम्र में 1957 में इन्होंने दोबारा क्रिकेट में कदम रखकर सबको चकित कर दिया। 62 साल की उम्र में 52 के स्कोर के साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए अपनी आखिरी पारी खेली। नायडू एक बार फिर 69 साल की उम्र में 1963-64 में एक चैरिटी मैच में खेलने के लिए फिर से लौटे, जिसमें वो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकादश के खिलाफ महाराष्ट्र के राज्यपाल एकादश के लिए खेले थे। आज इनकी स्मृतियों में खिलाड़ियों को सीके नायडू पुरस्कार भी दिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।